प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के पोलैंड दौरे पर पहुंचे, उनका यहां स्वागत किया गया। इसके बाद वो नवानगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जाड़ेजा के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते एक हफ्ते से भारतीय मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। पहली बार पोलैंड आया है, कुछ अच्छे नसीब में ही लिखे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उनसे पहले इतने लंबे वक्त तक कोई भारतीय पीएम यहां नहीं आया। पहले की सरकारों की नीति रहती थी कि दूरी बनाए रखो, हमारी नीति यह है कि हमें सभी देशों से नजदीकी बनाए रखनी है। पीएम ने जामनगर के जाम साहब का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैं वर्तमान जाम साहब से मिलने गया था, उनके कमरे में पोलैंड की तस्वीर आज भी है। हमारे जाम साहब को पोलैंड में हर कोई गुड महाराजा के नाम से जानता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों से घिरा हुआ था, तब जाम साहब दिग्विजय सिंह जी ने पोलिश लोगों की मदद की। आपने यहां इतना शानदार स्वागत किया है, मैं आप सभी का, पोलैंड की जनता का इस स्वागत के लिए बहुत आभारी हूं। साथियों, पिछले एक हफ्ते से भारत के मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। पोलैंड के लोगों की खूब चर्चा हो रही है और पोलैंड के विषय में भी बहुत कुछ बताया जा रहा है और एक हेडलाइन और भी चल रही है और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है, कुछ महीने ही पहले मैं ऑस्ट्रिया गया था, वहां भी चार दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा था। ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा नहीं है। परिस्थितियां दूसरी हैं। दशकों तक भारत की नीति थी इस सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है।